बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज 22 20 अप्रैल 2020 हज़ार बीस पिछले चौबीस घंटों के करोना के शुमार कल तक मैंने आपको बताया था जब मैं कल लाड़काना से आपसे बात कर रहा था कि उस वक्त तक अट्ठाईस टेस्ट हम कर चुके थे पिछले 24 घंटों में दो हज़ार टेस्ट किए हैं इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद तीस हज़ार तीन सौ छियालीस हो चुकी है कल तक जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी तादाद थी तीन हज़ार तिरपन पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ बीस नए पॉजिटिव केसेस आए हैं इस तरीके से टोटल तीन हज़ार तीन सौ तिहत्तर पॉजिटिव केसेस सूबह सिंध में जब से ये कोरोना वायरस आया है सूबे सिंध में हो चुके हैं दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली बात आज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकल स्प्रेड है टोटल जो 320 केस हैं उनमें 12 हमारी जो तबलीगी जमात के अरकान हैं उनके रिजल्ट हैं तीन लोकल स्प्रेड है जो किसी भी दिन सबसे ज़्यादा है जब से ये कोरोना वायरस आया है आज हमारी जो शरा रही है पॉजिटिव्स की पंद्रह अशारिया दो फीसद यानी तीन सौ बीस केस पॉजिटिव आए हैं दो हज़ार टोटल टेस्ट में से इससे पहले तक यानी आज तक जो टोटल शराह पॉजिटिव है वो एलेवन पॉइंट वन परसेंट है तो आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल स्प्रेड के सबसे ज़्यादा केसेस आए और एज अ परसेंटेज नंबर ऑफ़ टेस्ट से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आज की तारीख में आए हैं एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कल मैंने ये बात कही थी आज पूरे पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट कंपाइल होती है और आज के ये 320 केस इनको ऐड करने के बाद पूरे पाकिस्तान में 10,000 से केसेस एक्सीड कर गए कोरोना वायरस के दस हज़ार उनहत्तर टेन पॉजिटिव केसेस करोना वायरस के पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं पिछले 24 घंटों में 50 लोग क्योर हुए हैं टोटल क्योर होने वाले की तादाद 715 हो गई है ये सारिया दो फ़ीसद हैं हमारे टोटल केसेस के पिछले 24 घंटों में तीन डेथ्स हुई हैं इस तरीके से सुबह सिंध में टोटल डेथ्स की तादाद 69 हो गई है और ये दो फीसद हैं हमारे टोटल केसेस का हमारे पास पंद्रह लोग होम आइसोलेशन में हैं छः लोग गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं और तीन लोग हॉस्पिटल्स में इस तरीके से इस वक्त जो ट्रीट हो रहे हैं लोग उनकी टोटल तादाद है दो हज़ार मैं थोड़ा सा आज आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से डिस्ट्रिक्स हमारे ज़्यादा है। अफेक्टेड हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सूबा सिंध में डिस्ट्रिक्ट साउथ है उसमें पाँच केसेस आ चुके हैं और इनका ज़्यादा तादाद जो हमारे पसमानदा इलाके हैं सूबे ये ज़िला जनूबी के उसमें आए हैं कल की तारीख में ये 24 घंटों में 79 नए केसेस पॉजिटिव हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 468 केसेस हैं जिनमें से 20 तबलीगी जमात के अरकान के हैं तो टोटल बाकी लोकल स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 448 है और उसमें 42 केसेस सिर्फ पिछले 24 घंटों में आए हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 259 केसेस टोटल हैं एक तबलीगी जमात के रुकन का है टोटल दो तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्स तीसरे नंबर पे और इसमें 48 केस जो हैं वो कल की तारीख़ में यानी पिछले 24 घंटों में आए हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी टोटल 179 केसेस 16 पिछले 24 घंटों में और डिस्ट्रिक्ट मलीब टोटल केसेस 155 सौ है जिसमें से आठ तबलीगी जमात के अरकान हैं सौ लोकल डिस्ट्रिक्ट मलिर के स्प्रेड है और इसमें पिछले 24 घंटों में 15 केसेज आए हैं इसके बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद है दो है। टोटल केसेज हैं लेकिन उसमें से एक तबलीगी जमात के कारकुन हैं इसका मतलब है कि इकहत्तर केसेस हैदराबाद में आए हैं जो लोकल स्प्रेड से हैं पिछले 24 घंटों में ये ता, तादाद 19 है।, है हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हमारा लाड़काना रहा है टोटल केसेस पैंसठ जिसमें से 42 तबलीगी जमात और जो ईरान से पिलग्रम्स आए हैं उनके हैं उनको अगर इनमें से निकाल दिया जाए तो 23 लोकल स्प्रेड के केसेस हैं जो कि कराची के छः डिस्ट्रिक्स और हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा नंबर है और सखर जिसमें वैसे तो टोटल तादाद तीन की है लेकिन इन तीन में दो ईरान से आए हुए पिलग्रम्स और 67 सेवन तबलीगी तो अगर इन दोनों को निकाल दें तो सिर्फ सात लोकल स्प्रेड के केसेस सखर में हैं इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरीके से ख़ास तौर पर इलाकों में फैल रही है गुनजान आबादियों में फैल रही है और वहाँ फैल रही है जहाँ लोग ख्याल नहीं कर रहे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ पे अमल दरामद मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा है आ, हम आगे जाते हुए ओपनिंग अप की बात कर रहे हैं आपने मैं पहले भी इसके बारे में कह चुका हूँ लेकिन ओपनिंग अप का ये मतलब नहीं है कि हम इस वायरस को स्प्रेड करें ज़्यादा हमें ख्याल रखना होगा अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं सोशल डिस्टेंसिंग की है उसका फ़ायदा हुआ है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फ़ायदे को हम ज़ाया कर दें मैं एक मिसाल आपको देता हूँ अगर बाहर बारिश हो रही हो और आप छतरी लेके बाहर निकलें तो ये आपका लॉकडाउन है छतरी ली आपने आपने एहतियात किया और अगर आप भीगे ने और फिर कहें कि जी छतरी फेंक दो इसलिए कि मुझे तो बारिश लग नहीं रही जैसे ही आप छतरी फेंकेंगे आपको आप भीग जाएंगे इसी तरीके से लॉकडाउन अगर हम ईज़ आउट करेंगे उसमें ज़रूरी है कि हम ऐसा ना समझें कि मुझे अफेक्ट नहीं हुआ और ये कोई इतने संगीन वबा इस मुल्क में नहीं है लॉकडाउन की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है ये लॉकडाउन वाली छतरी अगर आप फेंक देंगे तो आप भीग जाएंगे बारिश से यानी आप वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं रमज़ान शरीफ आ रहा है उसमें भी ख़ास ख़्याल रखें एक एस ओ पी तय की है मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग घरों पर नमाज पढ़ें जो पहले एक हमने एस ओ पी बनाई हुई थी जो पिछले एक महीने से राइज है और मा की मदद से उनके तान से और ख़ास तौर पर पूरे मुल्क के लोगों के तान से जो मसाजिद या और ऐसी जगहों पर जहाँ लोग ज़्यादा जमा होते हैं इसलिए कि ज़्यादा तादाद में जमा नहीं हुई ये नहीं फैला इससे हमें फ़ायदा हुआ है इस जो फ़ायदा हमने हासिल किया है उसको आगे जाके हम ख़राब ना करें मेरी आपसे दरखास्त है कि आगे जाते हुए भी आप लॉकडाउन की पाबंदी करें लॉकडाउन जिन इलाकों में या जिन सेक्टर्स में खोल भी दिया जाता है उसमें आप वो सारी एहतियाती तदाबीर लें जो लॉकडाउन के लिए आपको बताई गई यानी सोशल डिस्टेंसिंग बाहर निकलें जब लोगों के दरमियान हो तो मास्क पहनना ज़रूरी है और अपने बुज़ुर्गों को जिनकी उम्र पचास साल से ज़्यादा है उनको आप उनके बारे में एहतियात करें उनसे ना मिलें ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी कीमती जाने बचानी हैं इस मुल्क में तो हमें इन तदाबीर पर काम करना पड़ेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग और सूबह सिंध के लोग इन तदाबीर पर बिल्कुल अमल करेंगे इसलिए कि आप सबके साथ मिल के आपकी कोशिशों से ही हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकते हैं अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह तब मेहरबानी करें और इस वबा से हमें निजात दिलाएं लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ख़ुद इस वबा से निजात हासिल करने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करें आप सबका बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद